बॉलीवुड स्टार्स में रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इस बीच इंडस्ट्री में कई रिश्ते ऐसे भी हैं जो सबके लिए मिसाल बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजोल और करण जौहर की दोस्ती की, जो कई मंचों पर एक साथ दिखे। अब ऐसे करीबी रिश्ते के बीच दरार की खबरें आने लगी हैं। हाल ही में करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द अनसूटेबल बॉय में न केवल काजोल से अपनी दोस्ती टूटने की बात कही है, बल्कि इस दोस्ती के टूटने के पीछे की वजह का खुलासा भी किया है। करण ने अपनी किताब में कहा, मेरी तरफ से वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती। एक समय था वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। आपको बता दें कि पिछले साल अजय और करण के बीच के विवाद की आग ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि करण के इस नए खुलासे ने इसमें घी डालने का काम कर दिया। लेकिन इस मामले में अजय खुलकर सामने आ गए हैं और कहा कि करण सिर्फ अपनी किताब को बेचने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं, वो हमेशा लोगों के पीठ पीछे बोलते रहते हैं। दरअसल करण और काजोल की दोस्ती टूटने के पीछे शिवाय और ए दिल है मुश्किल की टक्कर है। फिल्म के दौरान करण पर आरोप लगे कि उन्होंने एक शख्स को अजय की इमेज खराब करने के लिए पैसे दिए हैं, जिसके बाद इस पर काजोल का भी रिएक्शन आया। अपनी किताब में करण ने इसी रिएक्शन को दोस्ती टूटने की वजह मानी है। अब देखते हैं कि अजय के रिएक्शन के बाद करण और काजोल का ये झगड़ा कहां तक जाता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।